नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। आज देख सकते हैं एक बार हम और पटना का जू आपको दिखाए हैं, लेकिन आज आपको पटना का जू आज एक नए अवतार में हम दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं सामने पटना का जू आपको दिख रहा होगा और आज इसके अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि पटना का जू जो है किस तरह का है। और हमारा पूरा टीम आया हुआ है, देख सकते हैं पूरा टीम आया हुआ है। बोल दो हाय, बोल दो। तो हम लोग आज चलेंगे अंदर और क्या कुछ होगा सब आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा। तो अभी हम लोग भी आज चिड़ियाघर में प्रवेश ले चुके हैं और अब देखिए कौन सा जानवर आपको दिखाते हैं शुरुआत में, लेकिन आपको यहाँ का एक व्यूज दिखा देते हैं। और इधर आपको सब अब देख सकते हैं पीने वीने का पानी आपको हर कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ का व्यूज दिखा देते हैं पहले आपको। तो ये चिड़ियाघर के अंदर जैसे ही आप इंटर करेंगे वहाँ का आपको ये सीन दिखेगा, देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा सीन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और ये एंट्री गेट है चिड़ियाखाना के अंदर आने का। और यहाँ पर आपको एक मैप दिखेगा जहाँ पर आप जो है पूरे जानवर कौन कौन कहाँ पर है, कैसे कैसे जाना है, आपको हर वो मैप जो है यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले जानवर कौन सा मिलता है मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए इधर चलते हैं और इधर आपको दिखाते हैं इधर हमें कौन सा जानवर दिखता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भेड़िया, आपको दिख रहा होगा, देखिए बाबा रे भेड़िया दिख गया। देखिए ये तीन भेड़िया हैं आपस में झगड़ा करते हुए, मैं आपको दिखा रहा हूँ चिड़िया खाना के पास में। अब देखिए उधर भागा गया, ये कुत्ते की तरह होता है आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये भेड़िया है, यहाँ पर क्या क्या कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और भेड़िया का चेहरा भी आप देख सकते हैं कितना भयानक लग रहा है, भैया भेड़िया कितना भयानक है। और इधर आप देख सकते हैं अब तेंदुए वाले केव में हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर तेंदुआ है और तेंदुआ आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, तेंदुआ भी आपको दिखाएंगे और आगे आगे सागर चल रहा है तेंदुआ को दिखाने के लिए। तो चलिए और अब यहाँ देखिए तेंदुआ आपको दिख गया, दिखा कि नहीं दिखा, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा तब आपको तेंदुआ शायद दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सामने जूम करके देखिए तेंदुआ कहाँ बैठा हुआ है, वो हमेशा जो है ऊपर ही बैठा रहता है। तो तेंदुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का उधर बैठा हुआ ऊपर में। और यहाँ से भी दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको साफ साफ दिख रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साफ साफ तेंदुआ जो है दिख जाए, तेंदुआ आपको दिख जाए, क्योंकि तेंदुआ दिखना बहुत ज़रूरी है। तो भेड़िया और तेंदुआ हमने आपको दिखाया, लेकिन तेंदुआ भैया अंदर में बैठा हुआ था तो हमने आपको जूम करके दिखा दिया। और अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि और कौन कौन सा एनिमल्स आपको देखने को मिलता है। इससे पहले हमने ब्लॉग किया था, जी हाँ, लेकिन उसमें कई सारे चीज़ें छूट गई थी, लेकिन इसमें शायद मैं नहीं छोड़ूं क्योंकि चिड़ियाघर तो भैया बहुत बड़ा है। चलिए अगला एनिमल्स आपको दिखाते हैं। तो अगला एनिमल्स आप देख सकते हैं चिंपैंजी, आपको सामने काला काला चिंपैंजी दिख रहा होगा। देखिए ये दो चिंपैंजी है और दोनों अपने भाई के तरह यहाँ पे रहता है, एक छोटा भाई दिख रहा होगा एक बड़ा भाई दिख रहा होगा। देखिए चिंपैंजी और वो कह रहा है कि ये सब कौन आदमी है रे, हमनी के देखने आया है चिड़ियाखाना में, कौन आदमी है आ गया, बट एकदम मज़ा नहीं आ रहा है, क्या पता ये सब कोची देख रहा है चिड़ियाखाना के अंदर में। तो देख सकते हैं चिंपैंजी दोनों जो है बैठा हुआ है और ऊपर में चिंपैंजी का चित्र बना हुआ देख सकते हैं। दोनों चिंपैंजी देखिए दोनों काफ़ी गहरा सोच में हैं कि आखिरकार ये इंसान ये सब इतना सारा कहाँ से आ गया हमको देखने के लिए। तो देखा नहीं आप चिंपैंजी, आपको सामने दिख रहा होगा, जी हाँ देख सकते हैं सामने काला काला खाना मांग रहा है, लगता है खाना बड़े दिन से नहीं मिला है तो खाना मांग रहा है। ऐजा पे अभी था, अभी वहाँ चला गया, हमने आपको अभी मैं चिप्स रखे निकालेंगे तो छीन लेगा, उन्हें चत्तों के खाते हैं। रही है सामने देख सकते हैं, सामने ट्रेन दिखेगा आपको, ये ट्रेन पटरी पे ही चल रही है लगता है कि अभी पटरी पे नहीं रोड पे चलने वाली ट्रेन है, रोड पे चल रहा है ना, रोड पे चल रहा है रोड पर। और अब आपको गिद्ध दिखाने के लिए लेकर के आ चुके हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर गिद्ध दिखता है कि नहीं दिखता है, देखते हैं कि गिद्ध किधर छिपा हुआ है। तो गिद्ध शायद आपको इधर एक गिद्ध दिख रहा होगा, ऊपर में दो दो दिख रहा है, एक नहीं है दो दो दिख रहा है, दो दो गिद्ध है, काफ़ी मज़े से बैठा हुआ है और क्या पता क्या खा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाकी कुछ खा रहा है।
आने के बाद एक सबसे जरूरी चीज़, अगर आप चिड़ियाखाना में घूमने आते हैं तो आप देख सकते हैं ये उद्यान है। जी हाँ, यहाँ पर जो भी खाने पीने का चीज़ है वो सब कुछ आप इसी में डालिए। जी हाँ, कोई भी खाने पीने का चीज़, चिमकी हो या प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, उसको आप यहाँ वहाँ न फेंके, चिड़ियाघर को गंदा न करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चिड़ियाघर में घूमने आते हैं और चिमकी ये सब जो यहाँ वहाँ फेंक देते, तो ऐसा काम न करें। अभी हम आपको जंगल का राजा शेर दिखाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन शेर भैया कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये वाली क्या करेगी, हैजा शेर देखा है, ये शेर देखिएगा कि हाउ शेर देखिएगा, इनमें कहीं शेर नहीं दिख रहा है। देखिए कहाँ गया, चलिए आगे देखते हैं और शायद शेर दिख जाए। अभी आपको शेर नहीं दिख रहा होगा, गुफा बनाया गया वहाँ पर भी शेर नहीं है, दहाड़ खाली मार रहा था, कहाँ से मारा था पता नहीं चला। मैं आया जंगल का राजा शेर नहीं दिखा तो भैया फिर क्या हुआ, अब थोड़ा बैठना ही पड़ेगा। सब लोग के जंगल का राजा शेर नहीं दिखा, दिखा जी शेर जी जंगल का राजा, चिड़िया खाना फालतू का, हम तो बताइए पैसा बर्बादी कर रहा है, 300 रुपया खर्चे क्या करेगा, पैसा बर्बाद। जी हाँ भैया, 30 रुपये एंट्री टिकट है चिड़ियाघर का। और इधर आते हैं तो आपको जो है ये इलेक्ट्रिक वाला आपको गाड़ी भी दिख जाएगा, जिससे आप इस चिड़ियाखाना को पूरा घूम सकते हैं, जो रोड है उस पर बना हुआ है, और इस गाड़ी से आप जो है पूरा चिड़ियाखाना घूम सकते हैं। और आगे चलेंगे और अब हम लोग देखने के लिए पहुंच चुके हैं बाघ, आपको बाघ दिखाने वाले हैं चिड़ियाघर में, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। आपको देखिए बाघ सामने दिख रहा होगा चलता हुआ, देखिए बाघ तो चलिए शेर नहीं दिखा, लेकिन चिड़ियाघर का बाघ तो कम से कम दिखा। जी हाँ, ये माता रानी का सवारी भी है बाघ, लेकिन ये वाला बाघ जो है माता रानी का सवारी नहीं है। शेर तो दिखा नहीं, लेकिन हमने आपको बाघ दिखा दिया, और अब आपको दिखाते हैं सांप घर। हम धामन नहीं देखते हैं भैया, देखते हैं कोबरा है कि नहीं अंदर में। एक बार आए थे तो कोबरा सोया हुआ था, हम आपको दिखाए थे, लेकिन कोबरा बाहर नहीं आया, लेकिन आज देखते हैं कोबरा बाहर आता है कि नहीं आता है। धामन तो बाहर ही रहता है, धामन तो पैसे भी देखते हैं। तो चलिए भैया अब आपको लेकर के चलते हैं सांप घर में, देखिए सामने लिखा हुआ है सर्पगिरी, ये एग्जिट है, हम लोग यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। चलिए पहला सांप आपको कौन सा दिखाते हैं, तो देखिए पहला सांप आपको यहाँ पे अजगर आपको हम दिखा रहे हैं, अजगर जो है वो सोया हुआ है सामने आपको दिख रहा होगा, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये कौन सा अजगर है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं, हाँ ये थोड़ा सा अजगर जो है ना, बड़का वाला अजगर हमको दिखा, आदमी के खा जाएगा ये तो, बाप रे बाप, ये अजगर है भैया, ये अजगर है, हम लोग पढ़ते थे नर्सरी में अ से अजगर, वो वाला अजगर है। अजगर है अजगर। चलिए इधर देखिए, इधर आइएगा तो इधर आपको कौन सा सांप दिख रहा होगा, इधर तो कौनो सांपवे नहीं दिख रहा है जी, इधर क्या पता कोई सांपे नहीं दिख रहा है, कौन घर में आ गया, आहा आ गया किंग कोबरा, कोबरा दिखाते हैं आपको, कोबरा कोबरा देखिए, कोबरा वाले घर में आपको लेकर के आ चुके हैं, और एक वो कोबरा नहीं दिख रहा होगा, एक वो कोबरा सामने दिख रहा है, जूम करके आपको दिखाते हैं, देखिए वो जो है रेलिंगवा पे बैठा है, दो गो कोबरा सांप, ये सब ऐसी खाली बैठल रहता है, कुछ नहीं करता है, खाली बैठा रहेगा। एगो देखिए, एगो शायद मूरी हुलुक रहा है, देखिए हल्का सा आपको दिखाते हैं, एगो मूरी हुलुक रहा है, खाली मुरिया दिखा रहा है नीचवा से, दिखाते हैं इहो में कोई सांप नहीं है, और ये देखिए नीचे से वो मूरी हुलका रहा है सांप, देखिए फन नहीं उठाएगा, खाली मुरिया हुलकाएगा, अब बहरी में रहेगा तो पूरा फन उठा लेगा। और चलिए अब कौन सा सांप दिखता है, ये देखिए ये है वाइपर रसल, रसल वाइपर जिसको बोलते, देखिए रसल वाइपर, देखिए इसमें भी दिख रहा है, ये एक सांप जो है काफ़ी खतरनाक सांप होता है, और काफ़ी झपट्टे से वार करता है, ज़्यादातर ये रेगिस्तान में पाया जाता है। और इधर फिर से अजगर आ गया पाइथन जिसको बोलते हैं, तो देखिए पाइथन के तरह अजगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और इधर देखिए धामिन, अब देखिए अब ये जो सांप है ये धमिनिया है, हम लोग इसको खेतों में देखते हैं, देखिए कितना बड़ा धामिन सांप है, देख रहे हैं ना, एक लाठी के होगा लगता है कि, और वो धामिन सांप है, अरे धामिन सांप है, अरे तेरा के जय हो, एगो आओ गिरा ऊपर से जी, अरे बाप,
अरे बाबू देखिए धामन सांप कितना बड़का दिख रहा है आपको उधर, देखिए वो डंटा पे चढ़ रहा है। अरे धमिनिया तुम्हें क्या कैद हो गया, तुम्हें कब कहीं नहीं जा पाएगा, तुम लोग यही घूमेगा, तुम्हारा सब फोटो खाली खींचेगा। तू देखो एक और धामी उधर से निकल रहा है, खाली धामिन धामी नहीं बहुत तेज भागता है, ये बहुत तेज भागे वाला सांप है, हम लोग को रास्तों में कई बार मिल गया है। देखा हमने आपको तरह तरह का स्नेक दिखाया और स्नेक दिखाते हुए हम बाहर निकल गए। गेहूमन भी देखा और ऊपर में देखिए फन फैलाए हुए, ये तो शेषे नाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्या होता है, क्या क्या चीज़ें खाने में है सब आपको आज इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और चिड़ियाघर में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जानवर, लेकिन देखिए डस्टबिन, डस्टबिन का इस्तेमाल हमेशा करें। जी हाँ, कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ ना फैलाएं। और इधर देखिए जंगल ही जंगल आपको दिख रहा होगा, कौन सा जानवर किधर है उसका डायरेक्शन आपको दिख जाएगा। और सड़के का हाल देखिए चिड़ियाघर के अंदर, और पक्षी देखिए यहाँ पर सारस हंस बगुला कबूतर मयूर हर तरह का पक्षी का भी यहाँ पर जो है पिंजरा बनाया हुआ है। और सामने आपको दो जो है बत्तख आपको दिख रहा होगा पानी से बाहर निकला हुआ दूर पे खड़ा है, तो थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, झाड़ी झपाटा ज़्यादा है तो थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और चिड़ियाघर में आते हैं ना तो मिजाज खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़का जंगल टाइप का हमको दिखता है। तेरे नाम वाला ट्रेन पर हम लोग चढ़ चुके हैं, तेरे नाम चलाएगा अभी ट्रेन, हम लोग चढ़ के चलेंगे, देख सकते हैं तेरे नाम वाला ये ट्रेन है। ये सब दिखाते दिखाते हम लोग पहुंच चुके हैं अब चिड़ियाघर का जो स्टेशन था और जो ट्रेन चलता था वहां पे आप देख सकते हैं, लेकिन अब इस पर कोई ट्रेन नहीं चलता है। और सामने जो ट्रेन चलता था वो भी सामने लगा हुआ है, तो मैं आपको वो भी अभी दिखा देता हूं। हमने आप देख सकते हैं आपको ट्रेन लगा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि अब ये ट्रेन चलता नहीं है। जी हाँ, और ट्रेन का कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आगे लिखा है संजय गांधी जैविक उद्यान सारस। और इधर आप देखिएगा तो इधर जो इसका जो सीट वीट है ये सब ख़त्म हो गया है, इस ट्रेन पे हमने पहले कभी जर्नी किया था, और इस ट्रेन पर अब जो है लोग जो है बैठ कर खाना खाते हैं। और ये इंजन देखिए, और ये सामने आपको दिख रहा होगा स्टेशन जहाँ पे चिड़ियाखाना पे ट्रेन, और ये तेरे नाम वाला ट्रेन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये ट्रेन देखिए, ये ट्रेन जो है अब रोड पर चलता है, वही ट्रेन जो है अब वो रोड पे चलना शुरू कर दिया। वाह वाह क्या बात। स्टेशन दिखाने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और शायद कोई आगे में पार्क है, जो पार्क रहेगा वो दिखाएंगे, अगर वो नहीं दिखा तो कुछ और आपको दिखाएंगे। और सफाई सफाई में आप देख सकते हैं सारा जो चेयर है वो गंदा है, इसका सफाई बहुत दिन से नहीं हुआ है, देख सकते हैं। और अब आपको फाइटर जेट दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे फाइटर जेट का चक्का सब फेल हो गया है, चक्का पंक्चर हो गया है, फाइटर जेट खड़ा है, और इसको जो है मेंटेनेंस शायद नहीं किया गया है बहुत समय से, लेकिन आप देख सकते हैं शान से जो अपना फाइटर जेट है वो खड़ा है। ये देख करके काफ़ी खुशी होता है कि अभी भी अपना जो फाइटर जो प्लेन है वो जो खड़ा है। इस ब्लॉग को भैया यहीं पर एंड करेंगे, सभी जानवरों को दिखा पाना भैया संभव नहीं है। जी हाँ, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, और अपने भाई के साथ ऐसे ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें। जय हिंद।